I'm sorry, बिलाल। रात को मैं अपनी दलखी में पता नहीं तुमसे क्या क्या कह गई। बिलाल सवेरा बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे भी ज्यादा अच्छी। It's okay, सवेरा। शायद गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही कह गया। Excuse me. Hello. Hello, Bilal. Jimmy. वो तुम जल्दी से सवेरा को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना, खैरियत? वो डॉक्टर ने कहा है कि आमना को ऑपरेट करना पड़ेगा। ओहो, अच्छा, लेकिन कब? 2-3 दिन के अंदर। तुम खुद आके बात कर लो डॉक्टर से। अच्छा, मैं बस निकलता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आके डॉक्टर से बात कर लूँ। आप परेशान ना हो, बस मैं निकल रहा हूँ। सुनो, सवेरा को ज़रूर साथ लाना। जी जी। कैसी फॉर्मेलिटी? तुम्हें उसके प्री ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होंगे। मुझे क्यों? तुम बेटी हो उसकी। मैं नहीं करूंगी साइन, नहीं करूंगी। क्यों साइन नहीं करोगी? वो माँ है तुम्हारी, सारी जिंदगी कहीं और गुजार के मरने के लिए मेरे पास आ गई है। सवेरा, बस मैं रोती रही, तड़पती रही, बिलकती रही। उसने एक नजर मुझे पलट के नहीं देखा। खाला, देख रही है ना मेरी हालत? उनका दिया हुआ आगाम आंसू बनकर आज तक मेरी आंखों से बह रहा है। मैं नहीं करूंगी। कैसी बदनसीब बेटी है, मां डेथ बेड पर है और उसने ऑपरेशन के पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दी। हद होती है अम्मी, एक तरफ इतनी मोहब्बत और एक तरफ इतनी नफरत। I can't understand. बिलाल, तुम चुप रहो। मुझे बोलने दे अम्मी। मैंने आमना खाला को सवेरा की बातें करते हुए देखा है, उसके लिए तड़पते हुए, उसके लिए रोते हुए देखा है। ये सब मकाफाते अमल का खेल है। ये मकाफाते अमल का खेल मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन किसी भी इंसान को अपने रवैये में इतना इंतहा पसंद नहीं होना चाहिए। ये इंतहा पसंदी, ये मिजाज की शिद्दत विरसे में मिला है सवेरा को अपनी माँ से। अम्मी, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रही हैं। What you're talking about, I really don't understand. Bilal,
तुमने जिंदगी को इस जाविये से नहीं देखा है। सवेरा बेचारी तो कुछ भी नहीं करे। ये सवेरा नहीं, आमना है, जो खुद से नफरत कर रही है, अपनी जिंदगी पर आंसू बहा रही है। अब मैं कोई आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं अपनी माँ को इस बेबसी की हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। हमने एक दूसरे को जो दुख देने थे दे दिए, जितने आंसू रोने थे रो लिए, अब नहीं। अब मैं उसके पास रहूंगी, उसे दिलासा दूंगी, उसे प्यार करूंगी। मैंने अपनी माँ के चेहरे पर कर्ब देखा है, अजियत देखी है, अब मैं उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। मुझे पता है वो मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी। सीरियस है, काफी केयर रखना पड़ेगा उनको। डॉक्टर साहब जी, क्या ये पेपर्स मैं साइन कर सकती हूँ? क्यों? वो दरअसल इस वक्त सवेरा की जहनी हालत कुछ इतनी ठीक नहीं, बहुत अपसेट है वो और इतनी डिस्टर्ब है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल है कि वो साइन कर सकेगी। वैसे भी मैं बहन हूँ आमना की। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स आप भी साइन कर सकती हैं। खाला, डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? जरूर ठीक हो जाएगी, आप उनके लिए दुआ। मिल सकती हूँ मैं उनसे? उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप उनसे मिलके बातें कर सकें। डॉक्टर साहब बातें नहीं करनी मुझे, बस एक नजर देख तो सकती हूँ ना? सजन दे हथबा साड़ी, सजन दे हथबा साड़ी, सजन दे हथबा। यार शर्मा चल ना कहीं और चले। कहाँ? यहाँ करीब ही एक दरगाह है, अल्लाह के कोई नेक बंदे थे यार, बड़ा सुकून वाला माहौल है। नहीं यार, फिर कभी चलेंगे। वैसे बाय द वे, ये बुके किसके लिए बना रहे हो? सवेरा के लिए। सवेरा के लिए? हाँ, वो यही हमारे करीब ही ठहरी हुई। तो जियारत भी होगी जनाब की? हाँ, मैं मिला हूँ उससे, उसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ।
फिर तो आप बड़ी दरगाह पे जा रहे हो। जैसे आम से लोग दूसरे लोगों को सिर्फ बाहर से देखने के आदी होते हैं, किसी के दिल के अंदर झांक कर देखने के लिए जिस आंख की जरूरत होती है, उस आंख से, उस नजर से शायद हम महरूम होते हैं। हम लाइफ को हमेशा सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं, लेकिन आज तुम्हें एक नए एंगल से देखने का मौका मिला। मैं नहीं जानता था कि तुम अंदर से इतनी मासूम, इतनी
सवेरा एक्चुअली ये बुके इट्स ब्यूटीफुल बिलाल थैंक यू सो मच सीरियसली थैंक यू क्या हो रहा है जनाब फूलों का नजारा हो रहा है खुशबू का सहारा हो रहा है कहां से आया है ये बुके बागे असल से आया है ये बुके खुद अपने हाथ से चुने हैं इसने ये फूल मुझे इन फूलों में उसी का चेहरा दिखाई देता है उसी की खुशबू आती है इन फूलों में से यार सवेरा ये इश्क़ हकीकी के डायलॉग्स ना मारा कर वैसे मैंने अभी बिलाल को जाते देखा क्या ये बुके उसी ने दिया हाँ ये बुके बिलाल ने दिया है खुश बड़े दिनों से ऑफिस नहीं आया था तो खासा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वही निपटा रहा हूँ हाँ ठीक है शाम को मिलते हैं वहीं गोल्फ कोर्स में ओके ओके और तो कुछ नहीं नो सर आप ऐसे करें फारूक साहब को मेरे पास भेज दें ओके सवेरा बेटी कैसी हो बहुत खुश हूँ पापा बहुत खुश तुम्हारी माँ कैसी है हॉस्पिटल में है सर्जरी की तैयारी हो रही है पापा जी बेटा मैंने आज माँ को देखा बेहोश थी बहुत खूबसूरत लग रही थी वो शाम में जाऊंगी मैं उनसे मिलने उनके पास ही रहूंगी बहुत सारी बातें करूंगी उनसे पापा जल्दी मत सोइएगा ठीक है कॉल करूंगी आपकी बात कराऊंगी उनसे थैंक यू बेटा ओके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वहां से क्यों दोस्त मिलाए सवेरा से जब से सरकार बड़ी दरगाह की जियारत से वापस आए बस चुप चुप है
सवेरा पहले क्या कम थी कि उसे अपनी भगोड़ी बीवी के पास भेज दिया? शमसुल हसन, खबरदार जो तुमने मेरी बीवी का नाम लिया, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा उससे। अरे ताल्लुक तो अब तुम्हारा भी कोई नहीं है उससे। अज़रुए शरीयत, वो गैर महरम है तुम्हारे लिए। जब से महरम और गैर महरम का फैसला तुम्हारे हाथों में आया है, तुम लोगों ने इंसान से इंसान का रिश्ता ही खत्म कर दिया। आमना से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। शरीयत के मुजरिम न बनो जीशान बुखारी, पता नहीं उस औरत की किस सदा पे मर मिटे हो तुम कि वो अब तक तुम्हारे दिल से नहीं उतर रही। अरे कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता तुम्हारी साबका बीवी को, वो लिफंगी और नजरबाज औरत। शट अप मौलाना, स्टॉप इट। एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। अरे इज्जत और जिल्लत रब्बे जुलजलाल के हाथ में है और जमीन पर हमारे हाथ में शायद तुमने लाउडस्पीकर पर चंदा मांगने वाला आम सा मौलवी समझ रखा है हमें, लेकिन ऐसा वही हो शमसुल हसन, तुम वही हो। किसने तुम्हें आने दिया? दफा हो जाओ। ये दिखावे की दुनिया है जीशान बुखारी। यहां 0 मीटर लैंड क्रूजर पर रहने वाले को कोई नहीं रोकता, कोई नहीं। बिलाल, हॉस्पिटल जा रहे हो? हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। सवेरा, अम्मी हॉस्पिटल में है, तुम घर में रेस्ट करो। हॉस्पिटल जाकर क्या? प्लीज बिलाल ले चलो, मुझे जाना है। प्लीज। ओके, एज यू विश। चले। खुदा का लाख लाख शुक्र है, आमना की तबीयत कुछ संभल गई है। डॉक्टर कह रहा था कि हार्ट बीट भी नॉर्मल है। अम्मी, खाला को होश आया था? हाँ, एक बार आंखें खोली थी मगर बोली नहीं कुछ। खाला, आप घर चली जाएं। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। प्लीज चली जाए, मैं यहाँ रुक जाऊंगी माँ के पास। मेरा दिल ही नहीं चाहता आमना को इस हाल में छोड़ के जाने को। आप जब से आई हैं घर नहीं गई हैं। अब जाएं, आराम करें, मैं यहाँ रुकती हूँ। नहीं सवेरा बेटा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल हो भी तो क्या है खाला, शायद यही मुश्किल मेरी जिंदगी को आसान करते। खाला बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं हूँ माँ के पास, मैं रख लूंगी। आराम से प्लीज। मम्मी से मेरा ठीक कह रही है, चल मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, कल ले आऊंगा। मैं सवेरा को हॉस्पिटल छोड़ तो आई हूँ मगर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्यों अम्मी? उसके दिल में नई नई माँ की मोहब्बत जागी है और मोहब्बत की शिद्दत से मैं बहुत डरती हूँ। Come on अम्मी, मोहब्बत से भी कोई डरता है भला? अच्छा तो ऐसा करना कि मुझे घर ड्रॉप करके सवेरा के पास आ जाना। जी अच्छा, वैसे भी
मैं सवेरा को अकेला नहीं छोड़ सकता। अमीन, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। सवेरा बहुत अच्छी लड़की है ना? हाँ बहुत अच्छी। आगे को लेना, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, जो मेरे होठों पे आकर रुक जाती हैं। प्लीज मुझसे बात करें। Thank you, Colin, please. आप क्या समझती हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दिल के किसी कोने में, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब परवान चढ़ गया। माँ, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। शिकायतें भी हैं बहुत सारी मुझे। एक बार आपको प्लीज मुझसे बात कर ले। प्लीज प्लीज।